हेलो फ्रेंड्स आज अभी सी जी पी एस सी पी का एग्जाम हुआ है उसके जी एस सी जी जी एस के क्वेश्चन हम लोग आंसर की देखेंगे ये संभावित आंसर की है चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य दिवस किस दिवस किस दिन मनाया जाता तो एक नवंबर इसका आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़ के राजकीय राजकीय गीत क्या है राजकीय गीत आप लोग कमेंट में बताइएगा कि रचयिता कौन है तो नरेंद्र देव वर्मा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब मनाया गया तो पांच जून दो हजार उन्नीस को रात के बच्चे भात को क्या कहते हैं जिसमें पानी मिला देते हैं तो उसे बासी कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की राज्य का राजकीय पक्षी क्या है पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे अजित प्रमोद कुमार जोगी छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान राज्यपाल है श्रीमती अनुसुईया दिवाली के तुरंत बाद परंपरागत नृत्य है तो सतनामी नेक्स्ट क्वेश्चन पंडवानी गाथा किससे जुड़ी है तो पांडवों की कथा से जुड़ी हुई है देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य पंथी लोक नृत्य से है नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ फिल्म मोर छैया बुया के लेखक निर्माता निर्देशक कौन थे तो सतीश जैन थे गुरु घासीदास जी का जन्म किस ग्राम में हुआ था गिरौदपुरी में हुआ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है पंद्रह अगस्त दो हजार इक्कीस को मुख्यमंत्री द्वारा कितने जिलों की घोषणा की गई थी बन, नवीन बनने की तो चार महानदी भवन किससे संबंधित है मंत्रालय से साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उराव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है सरहुल नृत्य चुटुर चुटुर का अर्थ है छत्तीसगढ़ी में चुटुर चुटुर का अर्थ क्या है है अधिक बोलना महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध तो हटकेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है महंत घासीदास म्यूजियम कहा है रायपुर में है छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाद्य का विशेष रूप है तो नगाड़ा का विशेष रूप से प्रयोग होता है राजीव लोचन के कुंभ के नाम से आयोजित राजीव मेला माघ पूर्णिमा में भरता है माघ पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक ये मेला चलता है हरेली त्योहार किस आधार किस पर आधारित पर्व है तो कृषि पर आधारित पर्व है रतनपुर में महामाया देवी मंदिर का प्रसिद्ध मंदिर है छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक कौन थे इसका आंसर आप सभी कमेंट कीजिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान के जनक थे कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत किस महाद्वीप में तो एशिया महाद्वीप में है रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं सफेद रंग शांति का प्रतीक है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा बरगद है शहीद दिवस तीस जनवरी को मनाया जाता है इसका आंसर आप सभी कमेंट कीजिएगा और हमारे द्वारा भी इसका आंसर इसी वीडियो के कमेंट में बताया जाएगा थैंक यू अगर आप सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये बैच चलाया जा रहा है इसमें इससे रिलेटेड जो भी उपलब्ध सुविधाएं वो दी गई हैं ये फीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है और इससे जो भी आपको इससे रिलेटेड क्वेरी है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं डेमो ले सकते हैं ठीक है थैंक यू हेलो फ्रेंड्स आज सी जी पी एस सी का प्यून का एग्जाम हुआ है उसके इंग्लिश के हम लोग आंसर की देखेंगे ये मॉडल ये संभावित आंसर की है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सौ चारवा क्वेश्चन है तो इस ब्लैंक अस फोटोज ऑफ देयर गार्डन तो इसका आंसर हो जाएगा दे अस फोटोज ऑफ देयर गार्डन नेक्स्ट क्वेश्चन विच वर्ड इज रिटर्न इन द पास्ट एन टू क्या गिव माई फादर इज अ डॉक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इन स्पेलिंग टू मैसेज ये ए क्या है ये करेक्ट ऑप्शन है चूज द करेक्टली स्पेल तो ये क्या है क्लाइमेट ए हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज माई फादर इज अ टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन द सन राइजेस ये यहाँ पे राइजेस आएगा क्योंकि ये सिंपल सिंपल प्रेजेंटेंस है तो इसमें क्या जाएगा राइजेस द सन राइजेस इन द ईस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्पी का करेक्ट मीनिंग बताना है तो इसका क्या हो है? Joyful इसका answer होगा जॉयफुल इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉल्स का करेक्ट मीनिंग बताना है फॉल्स का मतलब होता है इनकरेक्ट फास्ट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा फास्ट का स्लो गर्ल का प्लूरल हो जाएगा गर्ल्स विच वर्ड इज अ सिंगुलर नाउन तो बॉय क्या है यहाँ पे सिंगुलर है बाकी सब क्या है प्लूरल है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ अंडरलाइन ये कॉल में अंडरलाइन है इसका कॉल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा कॉ नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द आंसर चूज द नाउन नाउन चूज करना है हमको तो ये रमेश क्या है नाउन है ये हमने इंग्लिश के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए आप सब जी शिक्षक भर्ती की तैयारी शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो ये सहायक शिक्षक और शिक्षक के बैच चलाए जा रहे हैं इससे आप ज़रूर जुड़िए इसमें आपको उपलब्ध सुविधाएँ ये निम्न हैं आप इसे पढ़ सकते हैं और अभी इसका फ़ीस स्ट्रक्चर ये है और इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स आज हम सी जी पी एस सी के एग्जाम के जी एस के और मैथ्स के क्वेश्चन के आंसर की देखेंगे ये संभावित आंसर की है चलो स्टार्ट करते हैं भारत का लौह पुरुष भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए प्रसिद्ध है मानव के शरीर में कुल दो सौ छः हड्डियाँ पाई जाती है कुल दो सौ छः हड्डियाँ पाई जाती है पंद्रह अगस्त दो हजार बाईस को स्वतंत्रता भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूर्ण हुए तो पचहत्तर वर्ष पूर्ण हुए भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं कितने बार दो बार चौवालीसवा चेस ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में हुआ भारत में लोटस टेंपल भारत में लोटस टेंपल दिल्ली में है दिल्ली पे स्थित है दिल्ली में स्थित है ठीक है भारत में लोटस टेंपल कहाँ दिल्ली में है एक लीप वर्ष में कितने वर्ष का, का एक वर्ष होता है तो तीन सौ सैसठ दिन का एक वर्ष होता है ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर है द्रौपदी मुर्मू जी किस प्रदेश की, की राज्यपाल थी तो झारखंड की राज्यपाल थी आनंद विश्वनाथन किस खेल से संबंधित है तो शतरंज खेल से संबंधित है कोविड नाइन्टीन सर्वप्रथम पाया गया था वुहान में प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है तो किस नदी के किनारे स्थित है महानदी के किनारे स्थित है भारत का संविधान 1950 सौ पचास छब्बीस जनवरी 1950 सौ पचास को लागू हुआ मारो फिरंगी को यह मंगल पांडे का नारा है प्रसिद्ध जला खूटाघाट जलाशय बिलासपुर जिले में स्थित है ये मैक्स मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं इसको हम देखते हैं तो यहाँ ऋण चार बटा सात दिया है के समतुल्य नहीं है तो इसको आप सबसे डिवाइड कर रहे चार तीया बारह सात तीय इक्कीस हो जाए तो ये तो समतुल्य है ये पाँच चौक बीस और सात पंच पैंतीस ये भी समतुल्य है ये चार दो नौ आठ हो गया लेकिन सात चौक अट्ठाइस हो रहा था ये क्या है समतुल्य नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये समतुल्य नहीं है निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है इसमें आप सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे फिर ये उचित भिन्न में है सभी तो सबसे पहले इसका आप एल्सियम ले लेंगे फिर नीचे को हर को बराबर करेंगे समान करेंगे तो जो भी अंश में जो भी बड़ा नंबर आएगा वो बड़ा होगा छोटा आएगा तो छोटा होगा लेकिन यहाँ पे दो बटा पाँच आपका बड़ा आएगा लेकिन यहाँ पे ऋण में लिखा है इसीलिए नहीं दो बटा पाँच का ये क्या होगा छोटा आएगा लेकिन ये ऋण में है तो ठीक है एक सेकेंड हाँ ऋण में है इसलिए ये छोटा हो जाएगा दो बट्टा पाँच इसका आंसर हो जाएगा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस एटीन इंटू माइनस वन इसको आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा तो एटीन हो जाएगा प्लस इसको डिवाइड करोगे सात दो चौदह तो इसका आंसर अट्ठारह प्लस दो क्या हो जाएगा बीस हो जाएगा सैंतीस रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आठ से एक बटे दो किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा तो आठ सै आठ करोगे तो आपको आठ किलो का मिल जाएगा अब सैंतीस में आधा और उसमें ऐड कर दोगे आप तो आपको ये आधा किलो का मिल जाएगा अब दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा तीन सौ चौदह दशमलव नेक्स्ट क्वेश्चन एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का बारह प्रतिशत बचाता है ठीक है यदि उस, उसका वेतन पच्चीस सौ है तो उसका प्रति माह खर्च होगा तो बारह प्रतिशत बचा रहा है मतलब कि एटी एट परसेंट वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है तो हमें पच्चीस सौ का एटी एट परसेंट निकालना है तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इंटू एटी एट अपॉन हंड्रेड इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा बाईस सौ नेक्स्ट क्वेश्चन एक त्रिभुज के दो कोण एक अड़तालीस एक अंश और एक तिहत्तर अंश दिया हुआ है तब तीसरा कोण क्या होगा तो हमको पता है तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है एक सौ अस्सी होता है प्लस एक्स इज इक्वल टू वन एटी ठीक है वन एटी डिग्री इसको आप जोड़ोगे फिर जो आंसर आएगा उससे वन एटी को माइनस करोगे फिर आपका आंसर आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी या तीसरे कोण की वैल्यू फिफ्टी नाइन डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन ए और तथा बी के बीच बीस मिठाई दो अनुपात तीन में के अनुपात में बांटी गई तो बी को कितनी मिठाई मिलेगी तो बी को कितनी मिलेगी तीन बारह मिलेगी ठीक है तीन के अनुपात में है तो और ए को कितनी मिल जाएगी तो आठ मिलेगी ए को आठ और बी को बारह ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये यह क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको एक्स की वैल्यू रखना है तो एक्स स्क्वायर करिएगा तीस थ्री का स्क्वायर रखेंगे तो नाइन आएगा माइनस पाँच यहाँ पे एक्स की वैल्यू थ्री करेंगे तो पाँच या पंद्रह हो जाएगा धन छः तो ये प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस नाइन हो जाएगा नाइन माइनस नाइन ये कट जाएगा तो ज़ीरो आ जाएगा इसका आंसर एक स्कूटर का मूल्य चालीस हजार है इस वर्ष उसके मूल्य में बीस प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है तब उसके स्कूटर का वर्तमान मूल्य चालीस हजार उसका मूल्य है उसमें बीस प्रतिशत मतलब एक सौ बीस बटा सौ लिखोगे आप सौ में है ना बीस प्रतिशत की वृद्धि हो तो एक सौ बीस बटा सौ अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा अड़तालीस हजार आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर इंटू माइनस थ्री का क्यूब तो माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा स्क्वायर है तो इंटू माइनस थ्री का क्यूब तो यहाँ पे माइनस रहेगा ही क्योंकि स्क्वायर में क्या हो जाएगा वो कट जाएगा लेकिन फिर ऑड है इसलिए इसमें माइनस आएगा ही और तीन थ्री का क्यूब क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेवन हो जाएगा इसको आप इंटू करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस टू फोर्टी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन मोहन की तनख्वाह में दस प्रतिशत वृद्धि हो जाती है और उसकी तन, उसकी नई तनख्वाह तेरह सौ तेरह हजार दो सौ है तो मोहन की वास्तविक तनख्वाह क्या हो इसको आप ऑप्शन से भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन से ले ली कि बारह हज़ार है ठीक है बारह हजार उसकी तनख्वाह है उसमें आप दस प्रतिशत की वृद्धि कर देते हो तो एक सौ दस बटा सौ करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा तेरह हजार दो सौ इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बारह हजार आएगा बारह हजार में दस प्रतिशत की वृद्धि करोगे तो तेरह हजार दो सौ आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन राम के पास बयालीस सौ पचास रुपए पचास हैं उसमें उसने बीस प्रतिशत खर्च कर दिए तो उसके पास कितने रुपए बचे बयालीस सौ पचास ठीक है बयालीस सौ पचास इसमें उसने बीस प्रतिशत खर्च कर दी मतलब उसके पास कितने बचे अस्सी बचे तो सौ में से बीस घटा लेंगे तो अस्सी बटा सौ इसको आप हल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा चौंतीस सौ नेक्स्ट क्वेश्चन एक मशीन छः घंटे में दूध की आठ सौ चालीस बोतलों को भरती है तो चार घंटे में कितने भरेगी तो अब छः घंटे में आठ सौ चालीस बोतल भर रही है तो हम एक घंटे का निकाल ले रहे हैं तो इसको हम छः से भाग दे देंगे ठीक है छः से तो छः कम छः छः चौक चौबीस गुड़ा चौबीस और जीरो एक सौ चालीस एक घंटे में एक सौ चालीस बोतल भरेगी तो हमको चार घंटे में तो इसको चार से गुड़ा कर दोगे तो आपका चार घंटे का निकल जाएगा चार जीरो 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 चार चौक सोलह चार एकम चार और एक पाँच इसका आंसर आ जाएगा पाँच सौ साठ बोतल वो चार घंटे में भरेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग की परिधि देखो वर्ग ऐसा होता है इसकी परिधि एक भुजा दे दिया है टू ए प्लस बी है तो ये चारों में उसको जोड़ेंगे तो फोर ए हो जाएगा इसका साइड तो फोर इंटू टू ए प्लस बी तो इसका आंसर हो जाएगा आठ ए प्लस फोर बी तो इसका है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रक बीस मिनट में सोलह किलोमीटर ठीक है बीस मिनट में कितना कहाँ कितना सोलह किलोमीटर की दूरी तय करता है यदि उसकी सम, गति समान है तो वह चार घंटे में तो बीस मिनट है इसको हमको एक घंटे में कन्वर्ट कर्वर, करना है तो साठ मिनट क्या होता है एक घंटा होता है तो इसको हम तीन से गुड़ा कर देंगे दोनों साइड तो हमको एक घंटे की वैल्यू पता चल जाएगी तो ये साठ मिनट में कितना हो जाएगा साठ मिनट में छति अट्ठारह तीन एक हम तीन और एक चार एक घंटे में वो अड़तालीस किलोमीटर की दूरी तय करती है ठीक है एक घंटे में अड़तालीस किलोमीटर तो चार घंटे में कितनी करेगी तो अड़तालीस गुड़ा चार तो आठ चौक आठ चौक बत्तीस का दो हाँ सेल तीन चार चौक सोलह सोलह और तीन नौ उन्नीस ठीक है तो एक सौ बयानबे किलोमीटर वो दूरी तय करेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ये फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इजिकल टू थ्री एक्स प्लस सेवन है तो इसमें आप थ्री एक्स को इधर ट्रांसफर करोगे तो फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा और सेवन अब थ्री को इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस थ्री हो जाएगा तो टू एक्स इक्वल टू क्या आ जा रहा है फोर आ रहा है तो एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मान क्या हो जाएगा तो ये इसका मान हो जाएगा एक बटा दो की घात आठ नेक्स्ट क्वेश्चन उनतीस के वर्गमूल का मान तो सत्ताईस का वर्ग सत्ताईस हो जाएगा इसका सत्ताईस इसका आंसर हो जाएगा इसका मान निकालना है इसका एलसीएम लोगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे इसका एलसीएम हो जाएगा बयालीस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अट्ठारह करोगे प्लस सातपन छः पैंतीस अट्ठारह पैंतीस को जोड़ोगे तो तिरपन बटा बयालीस आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दो संख्याओं का अंतर तीन है तथा इनके वर्गों का अंतर पैंतालीस है इनमें छोटी संख्या क्या है तो देखो एक्स माइनस वाई बराबर तीन दे दिया हुआ है ठीक है और आपको दिया है इस, इसके वर्गों का अंतर तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिक्वल टू कितना दिया फोर्टी फाइव दिया है अब इसको आप क्या लिख सकते हो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं तो मैं एक्स माइनस वाई की वैल्यू थ्री लिख दे रही हूँ ठीक है बराबर क्या है फोर्टी फाइव ये तीन एकम तीन तीन एकम तीन तीन पंचे पंद्रह तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई पंद्रह और ये एक्स माइनस वाई की वैल्यू थ्री है ठीक है तो देखो एक्स प्लस वाई वैल्यू आई है पंद्रह और एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई है थ्री है तो इसको आप जोड़ोगे तो, 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 तो ये तो कट जाएगा ये टू एक्स बराबर क्या आ जाएगा अट्ठारह आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन और वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ सिक्स तो अब छोटी वैल्यू क्या है छः है तो छोटी संख्या क्या है छः हो जाएगी छोटी संख्या पूछा है छः हो जाएगी यदि समुच्चय ए ए चार पाँच छ सात आठ तथा बी पाँच सात नौ ग्यारह तब ए माइनस बी बराबर बर क्या होगा तो इसका आंसर सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है आप बताना आपको इसमें कौन सा आंसर ज़्यादा सही लग रहा है इसका आंसर दोनों हो सकता है जब इसका आंसर आएगा तब पता चलेगा इसका ठीक है क्या ले रहा है आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चित्र में वाई का मान है तो क्या है देखो ये क्या है स्ट्रेट लाइन है ना इसका ये कितना हो जाएगा वन एट्टी डिग्री का होता है तो देख लेते हैं सबको ऐड करेंगे वन एट्टी डिग्री होनी चाहिए तो वाई प्लस वन फिफ्टी माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू वन एटी तो यहाँ से एक्स प्लस माइनस में है तो ये गया ये वन फिफ्टी हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे वन एट्टी माइनस वन फिफ्टी तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी थर्टी डिग्री तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस थ्री अपॉन्ट सिक्सटीन में क्या जोड़ने मतलब एक्स जोड़ है तो कितना ग्यारह बटा चौबीस प्राप्त हो तो अब आप इसको एक्स एक्स का मान के लिए एक्स बराबर ये माइनस में इधर जाके प्लस में कर देना तीन बटा सोलह इसके एलसीयम निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इकतीस बटा अड़तालीस नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है ये दिया हुआ है ये चार सौ मीटर दिया हुआ है तीन सौ मीटर देना है हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ ये कर्ण दे गया है ना तो कर्ण क्या हो जाता है कर्ण बराबर वर्गमूल आधार का वर्ग धन आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग तो चार सौ का वर्ग प्लस कितना तीन सौ का वर्ग कितना हो जाएगा ये तो देखो चार सौ का वर्ग कितना हो जाएगा सोलह चार इतना हो जाएगा प्लस और इसका तीन सौ का वर्ग हो जाएगा इतना हो जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पच्चीस ठीक है अब इसको अब इसका हल करोगे आप इसका वर्ग वर्ग इसके वर्ग मूल से इसको बाहर लाओगे तो इसका पाँच सौ का वर्ग कितना हो जाता है इतना होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाँच सौ मीटर ये हमने सारे मैथ्स और जीएस के क्वेश्चन देख लिए हैं अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो सहायक शिक्षक और शिक्षक के बैच चल रहे हैं इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें ये निम्न सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी आप इन्हें पढ़ सकते हैं ठीक है सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के बैच चलाए जा रहे हैं इसके फीस स्ट्रक्चर है आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इससे रिलेटेड जो भी जानकारी प्राप्त करनी है आप इस नंबर दिए हुए नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सेवन फाइव एट थ्री एट सिक्स फोर फोर सिक्स वन इस नंबर पे आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स आज सी जी पी एस सी का प्यून का एग्जाम हुआ है उसका हम हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज मतलब भाषा का ये संभावित आंसर देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण किससे संबंधित है तो ध्वनियों से संबंधित है देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नाकित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा तो क्या है रायपुर क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है मुझे आम खाना अच्छा लगता है वाक्य में कर्ता कारक क्या है तो मुझे क्या है कर्ता कारक है स्त्रीलिंग वाचक शब्द चुनिए तो लज्जा क्या है स्त्रीलिंग वाचक है ठीक है लज्जा क्या है स्त्रीलिंग वाचक है निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्याय नहीं तो अनिल का है अग्नि का पर्यावरण नहीं पर्यावाचन नहीं है अनिल का क्या होता है हवा वायु ये सब होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेड़ से पत्ते गिरते हैं में क्या है अपादान के लिए होगा ठीक है ठीक है अपादान आ जाएगा अपादान कारक अनिश्चावाचक सर्वनाम को चुनिए तो कोई क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है बादल का पर्यायवाची शब्द है तो बादल का क्या हो जाएगा वारिद क्रमवाचक विशेषण चुनिए तो दूसरा क्या है क्रमवाचक विशेषण है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा तो मिठास क्या है भाववाचक संज्ञा है निम्नलिखित विलोमनार्थी शब्दों के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है तो गत गत क्या है ये गलत है ठीक है बाकी सब क्या है सही है निम्नलिखित में तब तत्सम तद्भव के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है तो चाम चमड़ी ये क्या है गलत है बी नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध अशुद्ध है तो ये ये क्या है 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 शुद्ध अनाधिकार होता ठीक सही अव्ययी भाव समास क्या है तो प्रतिदिन क्या है अव्ययी भाव समास है दिन रात किस समास का उदाहरण तो द्वंद्व समास का उदाहरण है हिंदी भाषा का विकास जिस बोली से हुआ है वह क्या है खड़ी बोली है आदर का विशेषण क्या हो जाएगा आदरणीय नेक्स्ट क्वेश्चन व्यंजन संधि का उदाहरण क्या होगा जगन्नाथ नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध वाक्य चुनिए तो इसका आंसर सी क्या है शुद्ध वाक्य है सोना बहुमूल्य धातु है बाकी सभी अशुद्ध वाक्य हैं दांतों तले उंगली दबाना आश्चर्यचकित होना शुद्ध वाक्य चुनिए शुद्ध वाक्य क्या हो आप हमारे घर आइए डी पगड़ी उछालना का अर्थ है भरी सभा में अपमान करना ए गीता अच्छा गाती है वाक्य में अच्छा क्या है क्रिया विशेषण है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है वो गा रही है वो क्रिया है तो उसकी विशेषता बता रहा है इसलिए क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण नेक्स्ट क्वेश्चन सही वाक्य चुनिए संगीता को बेटी हुई वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है वाक्य में अपने गांव किस कारक है तो ये अधिकरण हो जाएगा न तीन में ना 13 में का कहावत का अर्थ है अत्यंत अपेक्षित व्यक्ति सही शब्द चुनिए तो इसका वाक में ये सी सही हो जाएगा कौन सी सही वर्तनी है तो संसार ए ऑप्शन ए निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक है भाववाचक संज्ञा नहीं है बोला है तो सौंदर्य क्या है नहीं है सेवेंटी थ्री क्वेश्चन देखते हैं चंद्रमा का पर्याय नहीं है तो शशिधर क्या है चंद्रमा का पर्याय नहीं है लौहा का अर्थ होता है जल्दी मैं झन जावाऊँ मैं नहीं जावाऊँ ठीक है छत्तीसगढ़ी में ओमन कहत रहीन ओमन कहत रहीन डी भदेश का मतलब होता है भद्दा टेटका का मतलब है गिरगिट आंखी उघरना का मतलब होता है सत्य को जानना नेक्स्ट क्वेश्चन जेठ का शब्द जिस मूल शब्द से विकसित है वह क्या है जेस्ट सी सुकुआ का अर्थ है कमजोर अम्मट का अर्थ क्या हो जाएगा खट्टा सी मुझे घर जाना है का छत्तीसगढ़ी अनुवाद होगा मोला घर जाए भर है इसका आप लोग को क्या लगता है एटी थ्री का आप लोग भी कमेंट में इसका आंसर बताइएगा बियारी का मतलब होता है रात्रि का भोजन खटिया उसलना का अर्थ मतलब होता है मतलब उसका क्या हो जाएगा मृत्यु हो जाना नेक्स्ट क्वेश्चन पानी पीड़ा करना भोजन के लिए बुलाना आना जाना का छत्तीसगढ़ी अवई जवई भैंस के नर बच्चे को क्या कहते हैं तो पड़वा कहते हैं इधर क्या है आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा ये कड़ी भी हो सकता है और खट्टी सब्जी भी या डाला है नेक्स्ट क्वेश्चन भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ साधर अमकेरिया ओखी का मतलब होता है बहाना नेक्स्ट क्वेश्चन काना फूसी करना खुशुर पुसुर करना इतवार के दिन तुहर घर जहां में सही करने के लिए किस शब्द को हटाना पड़ेगा तो दिन को इतवार बोला है तो दिन की जरूरत नहीं है तो इतवार के तुहर घट जाओ ये क्या है दिन हट जाएगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा तय तोर ताकत एक कामला करे हस को सही रूप में तय ह हाँ अपन ताकत म ए कामला करे हस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन खाने वाला को इसको आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा इसका खबर रहा हो सकता है छठ शब्द से जो छत्तीसगढ़ी शब्द विकसित हुआ है वह है छीन डी गांठ बांधना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द क्या है गठियाना नेक्स्ट क्वेश्चन गौना गौना का क्या होता है पठौनी गौना पठौनी ओरी का छाव अल्पकालिक सुख निश्चित रूप से एक छत्तीसगढ़ी में से एक शब्द है निश्चित रूप को क्या बोलते हैं खचित आपके लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द है तय आपका क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में तय ककनी आभूषण हाथ में ठीक है बी हाथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए शब्द है जोहार ठीक है ये हमने हो कर लिया है अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सहायक शिक्षक और शिक्षक के बैच चलाए जा रहे हैं ये डिटेल्स हैं उसके आप लोग इसके पढ़ लीजिएगा और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप ये रजिस्ट्रेशन फी दिया हुआ है इसके लिए आप इट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या कॉल के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद